मित्र थे और दोनों हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए सीमा पे बाबूजी सीमा के प्रहरी थे, कारगिल की लड़ाई में शामिल थे। दोनों नौजवान सन 65 की लड़ाई में लद्दाख क्षेत्र में लड़ाई छिड़ी हुई थी। अब्दुल हमीद ए भारत माँ के गोदी में बाबू हंसते हंसते शहीद हो गई। पापी उग्रवादी मोहम्मद उस्मान को पकड़ करके कैदी बना लिए और कैदी बना के अपने गिरोह में शामिल गई हलन। और जब शामिल गई उस समय बाद माई से बिरहा में गीत लगल शहीद हो गया है। गौर करिएगा बाबूजी, जैसे खबरिया के पढ़ली हो लखरा के जमीनिया पे गिर गईली, अखियों से आंसू बहने लगल, रोते रोते भी होश हो गईली। आज जब भी होश हो गईली दोनों बच्चा माई के पकड़ के चिल्लात हुवन, माई अचानक का हो गई, माई कहे रो थई बड़े भैया एक बैग चिल्लैली, एक बैग जन बाएं आंख के मुना गई। ए बाबू अगल बगल के दो चार लोग इकट्ठा हो गईलन, आ इकट्ठा भइले के बाद ओ हीदा के हिलावे घुमावे लगलन, मुहा पे पानी छिड़के लगलन, मुहा के दाबे लगलन। जब ओ हीदा के होश से आइल बा तो देखा अखिया में आंसू लेके का कहत बा मास्टर बिरहा में गीत लगल।
बाबू अखिया में आंसू लेके वही दर रोतला कलश के ऊपर वाला कोने मोड़ पे ला के खाड़ कर डाला। ना आग लौकता ना पाछ लौकता कोने रास्ता पे जाई गौर कई आई रोते रोते बाबू आग लाल लाल कई ले रहल। अब का कलश दोनों बचवन के पकड़ के सलीम बेटवा के और सहनाज बिटिया के पकड़ के बाबू दिल्ली अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा पे गई बा। आ सोचलस की बसवा में चढ़ा के अपने घरे चल जाई। सलीम बेटवा के आगे बसवा में चढ़ा दिली और बिटिया सहनाज के जब बसवा में चढ़ावे गईली तब तक देखे लोग कहला मारे न राम लगावे न हीला। कहलन की बहुत सुंदर आइटम लेके आई है एक लेला हमके पैसा दे दा।
ए बाबू मुन्नी बाई जब शहनाज के नजर में नजर मिला के देखत बा तो ओकर दिल में ममता उछल गई। मनवा में सोचलस एक एक कोठा पे ना रखब कि हमार बिटिया प्रति बाटे। हाय हाय एकरे अंदर ममता प्यार दुलार देख के हमरे दिल के ममता जाग उठल। सोचलस के अपने कोठा पे ना रखब ए पापी कमीना गद्दार से मुन्नी बाई शहनाज को खरीद लेती है। और शहनाज के का कैलस सोचलस कोनो बढ़िया स्कूल में जाके दाखिला करा दे, नाव लिखवा दे, एडमिशन करवा दे, ती पढ़ लिख के कोनो अधिकारी बन जाए। हमरे लगे पढ़ी लिखी तो लोग कही के अरे बाप रे भाई केतनो हत मुनिया बाई के न चेली नहीं हो। मुन्नी बाई शहनाज को खरीद लेती है और ले जाके एक हॉस्टल में दाखिला करा देती है। गौर करिएगा बाबू जी, धीरे 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 20-22 बरस हो गई, शहनाज पढ़ लिख के नर्स बन गई। और जब नर्स बनल तो एक दिन अपने मनवा में सोचे लगल कलस कब तक क्वार्टर में जनबा ये हॉस्टल में रहम, एक ना एक दिन जरूर मुन्नी बाई हमके बुलावे आई। अगर बुलावे ना आई तो कहियो ना कहियो हमसे मिले चली आई। तो लोग कही मुन्नी बाई से एकर कौन रिश्ता बाटे, एकर कौन संबंध बाटे। सना सोचलस कि हस्तलावा में से निकल के ई जनबा देशवा छोड़ के ओने दूसरे देश में चल जाई। शहनाज का कहिल से बाबू दिल्ली सहरिया छोड़ के कहां चल गई, कश्मीर जिला में। आ जब कश्मीर जिला में गई बा ओ कश्मीर जिला में एक डोडा जिला बा, ओ डोडा जिला में एक अस्पताल बा, वही अस्पताल में जाके नर्स बन जाती है। और नर्स बन के बाबू अपन नौकरी करे लगल, जीवन के बितावे लगल। लेकिन देखा धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तैहर वहीदा सलीम बेटवा के लेके घरे आई, रुवत गावत आ घरे ले काइल बा बेटवा के जनबा एडमिशन करो। बेटवा सलीम पढ़ लिख के का हो गए एसपी बन गई। आ जब एसपी बन गई और वर्दी चढ़ा के बाबू जब माई के सामने गईल बाटे तो माई के अखिया में आंख डाल के नजर से नजर मिला के बाबू रुवत बा। आ रो के माई से वो बात कहलस, गीत लगल मास्टर कैसे कलरे माई हई वर्दिया कोने काम के बा, हमार बहिनिया रहत हई वर्दिया देखत हमके अपने छाती से लगा ले, अपने सीना से लगा ले। लेकिन आज हमार बहिनिया ना बा ती जिंदगी अधूरा बटे। ए बाबू जब तक इतना बतिया सलीम कहत मन तब तक एक लेटर ज्वाइनिंग के आ गेल बा। और लेटरवा लेहलन माई के अपने जनबाद देखते हुए कपड़ा लत्ता अपन ले करके और अपने नौकरी पे चल धलन। आ जा के बाबू उनका नौकरी ड्यूटी कहाँ लगल, वही डोडा जिला के अंदर उनकर नौकरी लग गई। आ जब नौकरी लग गई ले बाबू उसमें एक बात बताना है का मास्टर, गीत लगा निशाना लगाने का तैयारी कर रहे थे। तब तक गौर करिएगा पापी कमीना अपने गिरोह में लेकर के
मोहम्मद उस्मान को आए हुए थे। मनवा में मोहम्मद उस्मान सोचत हुआ तेरे बाप हो बाप की पापी कमन्या हमारे हिंदुस्तान में आकर के हमारे भारत में आके की बम गोली से उड़ावल चाहत हवन। मोहम्मद उस्मान सोचलन कि जब तक की बम और गोली से शुरुआत करी है ओकरे पहले कहे ना हम केवड़िया खोल के ए दरगाह से दूर भाग जाई। मनवा में सोचत हवन तब तक पापी कमीना बर्बादी सवाल कर देता है अब अंत देता है कहत हवन का कहना भाई सर साथियों को हमारे हवाले कर दो वरना एक एक को जो है मार दूंगा।